इसराइल बरहना सफाकियत पर उतर आया। बमबारी से बचकर इमारत में पना लेने वालों पर भी बम बरसा दिए। खान यूनस, रफा और जबालिया में बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर इंसानियत सोज बमबारी करके मजीद 700 फलस्तीनी शहीद कर दिए। जबालिया कैंप का एक रिहायशी ब्लॉक मुकम्मल तबाह हो गया। कई जख्मी मलबे तले दब गए। इमदादी कारकुनों की रसाई मुश्किल हो गई। खान यूनस में भी इसराइली फजाइया ने रिहायशी कॉम्प्लेक्स तबाह कर दिया। मुतादिद फलस्तीनियों की शहादत का खदशा। 7 अक्टूबर से शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 16,000 से ज्यादा हो गई। 15 लाख से ज्यादा बेघर हो चुके। हमास ने गजा में इसराइली बमबारी रुकने तक इसराइल से कैदियों का तबादला रोकने का ऐलान कर दिया। बरतानिया ने यरगमालियों की तलाश के नाम पर तैयारों से गजा की जासूसी का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज के खिलाफ हमास की मजाहमत जारी। मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए। जमीनी कार्रवाई में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 66 हो गई। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में जल्द दोबारा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। गजा पट्टी में बमबारी बंद ना हुई तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। शायद फिर सरहदी बंदिशें भी खत्म हो जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल काकड़ का स्काई न्यूज़ अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान मसला फलस्तीन पर 2 रियासती हल का हामी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान तारकीन की वापसी से मुतल्लिक पाकिस्तान के असूली मौकिफ से भी आगाह किया। कहा कि सियासी, समाजी और दहशतगर्दी के चैलेंजों से निपटने के लिए पाकिस्तान ने गैर कानूनी तारकीन की वापसी का फैसला किया। चिलास वाक़े के बाद मुसाफिरों के लिए सिक्योरिटी इकदाम। वज़ीर आला गुलबर खान के मुताबिक शाहराह कराकरम पर 5 से 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल मुसाफिर गाड़ियों को काफिले की सूरत में सिक्योरिटी के साथ भेजा जाएगा। मुसाफिर गाड़ियों को दिन के औकात में शाम से पहले दयामर की हदूद से गुजारा जाएगा। मुसाफिर बस पर फायरिंग से जांबाज़ अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बस पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला है। सिक्योरिटी फोर्सेस कातिलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि खौफ, वहशत और दहशत से पाकिस्तान को तरक्की करने से रोका नहीं जा सकता। भारत की 4 अहम रियासतों में से 3 में हुक्मरान जमात बीजेपी को बरतरी हासिल। भारत की 4 अहम रियासतों में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। बीजेपी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बरतरी हासिल है। तेलंगाना में कांग्रेस आगे है। 4 रियासतों में गुज़श्ता माह वोटिंग हुई थी। भारत में मई में आम इंतखाबात होने हैं। इलाकाई इंतखाबात में बरतरी, 2024 के आम इंतखाबात में मोदी की मकबूलियत मजीद बढ़ने का इशारा करार दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ से नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन समेत पार्टी रहनुमाओं, साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। आम इंतखाबात की तैयारियों और सिंध में तंजीम अमूर पर मुशावरत की गई। सिंध में एमकेएम और दीगर जमातों के साथ इंतखाबी एडजस्टमेंट से मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया। एमकेएम से होने वाली बातचीत और सफारत का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ से शेख रोहेल असगर, हनीफ अब्बासी, ख्वाजा सलमान रफीक की मुलाकातें। शहबाज शरीफ का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम से ही मईशत और आवाम के मसाइल हल होंगे। आवाम को महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाने के लिए इलेक्शन बहुत अहम है। 4 साल तबाही का सियाह दौर ना आता तो आवाम पर महंगाई और पाकिस्तान की मौशी बदहाली का बुरा वक्त ना आता। अठारहवीं तरमीम को अधूरा कहने का मतलब 18वीं तरमीम खत्म करना है। नून लीग के एतराफ़ से बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। सेक्रेटरी इतराफ़ पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी का बयान। कहा कि 18वीं आइनी तरमीम विफाक और तमाम इकाइयों के दरमियान मिसाक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 2022 तक पीटीआई के नए चेयरमैन के कायद आसिफ अली जरदारी थे। बानी पीटीआई अपने पुराने साथियों पर एतबार करने के लिए भी तैयार नहीं है। एक साल में जरदारी का तराशा हुआ हीरा इतना पसंद आया कि पूरी पार्टी उसके हवाले कर दी। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिसने सारी उम्र धोखे दिए हों उसका दूसरों पर एतबार करना मुश्किल होता है। पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के लिए कोई शर्म, कोई हया का मकाम।
पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का कहना है कि पार्टी फंडिंग हो या इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कानून का इतलाक सारी सियासी जमातों पर होना चाहिए। पीटीआई के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आजकल का मामला नहीं, डेढ़ साल से पीटीआई ने मामला खुद लटका के रखा हुआ है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्या पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। हमने सियासत में दीनी और मजहबी शनाख्त बरकरार रखी, वो रवैये अपनाएं जिनमें फिरकावारियत की गुंजाइश नहीं। सरबरा JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का बुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा कि उन्हें इख्तलाफ में नरमी को फरोग देना है, शिद्दत को नहीं। पाकिस्तान के सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के भी हकूक़ हैं, इक्तदार मिला तो मुल्क के हर शहरी के हक का तहफ्फुज़ करें। टिकट देते हुए सियासी जमातों को पुलिस सिरात और असूलों की भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर खान का मौकफ, दानियाल अज़ीज़ को शोकॉज नोटिस और शाहिद खाकान की तनकीद नज़रअंदाज करने से मुतल्लिक सवाल पर खुरम दस्तगीर ने कहा कि शाहिद खाकान की तनकीद अमूमी थी और इससे पार्टी में जमहूरी कल्चर की अक्कासी होती है। ताहम दानियाल अज़ीज़ ने दो अफराद का नाम लेकर ज़ाती तनकीद की जिस पर शोकॉज नोटिस जारी किया गया। सिंधी सकाफत के दिन पर रंगों की बहार आ गई, सिंध धरती के बासियों के चेहरों पर खुशी के रंग, बच्चे बूढ़े जवान सब ने ही अजरक और सिंधी टोपी जेबतन करके अपनी मोहब्बत निछावर की। कराची हैदराबाद लड़काना नवाब शाह थरपारकर जामशोरों खैरपुर और डेरा मुराद जमाली समेत कई शहरों में तकरीबा, लोक गीतों की धुनों पर नौजवानों और बच्चों का रक्स। सखर में जोगियों ने सांपों के हमरा मुनफरद अंदाज में सिंध कल्चर डे मनाया। हैदराबाद के नारा जेल में कैदियों के साथ जेल के अहलकारों ने भी सकाफत का दिन भरपूर अंदाज से मनाया। निगरा वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की यौम सकाफत पर मुबारकबाद, अमरीकी कौंसल खाने के तर्जमान हैदर मर्फी ने सिंधी लिबास जेबतन कर लिया। पाकिस्तान में जर्मनी के कौंसल जनरल की भी सिंधी जबान में सिंध वासियों को यौम सकाफत की मुबारकबाद। पाकिस्तान और खलीज तआवुन काउंसिल के दरमियान आज़ाद तजारती माहदे के लिए राहें मज़ीद हमवार हो गईं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमाकारी की शराइत पर इतफाक़ हो गया। निगरा वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने खलीज तआवुन काउंसिल के तर्जुमान से मुलाकात को नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि खलीज तआवुन काउंसिल के साथ आज़ाद तजारती माहदे को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। निगरा वज़ीर इत्तला'आत मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी के तरीकों पर इतफाक़ हो गया। पाकिस्तान और खलीज तआवुन काउंसिल में आज़ाद तजारत का माहदा 19 साल से ज़ेर इल्तवा था। मंजूरी होने पर GCC का 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला तजारती सरमायाकारी माहदा होगा। चंद रोज कमी के बाद लाहौर में फिर स्मोक की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। फजाई मयार इंतहाई मुझे सेहत, दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का दिल्ली के बाद दूसरा नंबर। सुबह के वक्त पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 320 तक जा पहुंची। कराची की फजा भी इंतहाई आलूदा, आलूदा शहरों में कराची का तीसरा नंबर। निगरा वज़ीर आज़म अनवार उल्हक़ काकर ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए 7.8 करोड़ डॉलर की बैन अक्वामी इमदाद बहुत अहम है। निगरा वज़ीर आज़म का दुबई की पाकिस्तान पवेलियन में खिताब। अनवार उल्हक़ काकर ने कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडस वाटर का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। लिविंग इंडस इनिशिएटिव के तहत स्टेक होल्डर्स से मिलकर किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने तारीख बना दी, न्यूजीलैंड को पहले T20 मैच में 7 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 128 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। शवाल जुफकार ने 41 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 127 रन बनाए। फातिमा सना ने कीवीज के टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया, 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल किए। प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ भी अपने नाम किया। अगला मैच भी जीतने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
कैनबरा में बाबर आजम अपने मद्दाहों के साथ घुल मिल गए। पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस देखने मद्दाहों की बड़ी तादाद पहुंची। बाबर आजम ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए, तस्वीर भी बनवाई। कैनबरा में पहले ही ट्रेनिंग सेशन में बारिश और जलाबारी आड़े आ गई। फील्डिंग सेशन के बाद खिलाड़ियों ने इनडोर में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने गजा के अस्पतालों की सूरतहाल को नाकाबिले तसव्वुर करार दे दिया। कहा कि जनूबी गजा में नसर अस्पताल के हालात नाकिस से भी बदतर हैं। अस्पताल में उसकी गुंजाइश से तीन गुना ज्यादा मरीज मौजूद हैं। मरीजों का इलाज जमीन पर किया जा रहा है। मरीज दर्द से चीख रहे हैं। सूरतहाल पर अपनी तशवीश का इजहार करने के लिए अल्फाज भी खत्म हो चुके हैं। गजा के मासूम बच्चे इसराइली हमलों में जख्मी होने के बाद एक दूसरे को खुद तसल्ली देने लगे। इसराइली बमबारी से कहीं बच्चे वालदैन से तो कहीं वालदैन बच्चों से बिछड़ गए। गजा में इसराइली बमबारी के बाद मलबे से निकाले गए जख्मी बहन भाई की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। वीडियो में जख्मी बहन बार बार अपने जख्मी भाई से अपने खानदान की खैरियत के बारे में पूछ रही है। भाई के पास जख्मी बहन के सवालों का कोई जवाब नहीं। गजा के मासूम फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी करने वाले इसराइल की हिमायत अमरीकी सदर बाइडन को महंगी पड़ गई। बाइडन को दोबारा सदारत की दौड़ में शामिल होने से रोकने के लिए अमरीका के मुसलमान रहनुमाओं ने बाइडन को छोड़ दो अबैंडन बाइडन मुहिम शुरू कर दी। रियासत मिनिसोटा से शुरू होने वाली बाइडन मुखालिफ मुहिम मिशिगन एरिजोना विस्कॉन्सिन पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा तक फैल गई। फलस्तीनियों की नसलकुशी में साथ देने वाले बाइडन को दोबारा सदर बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे अमरीकी मुसलमान रहनुमाओं का आज़म। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कहा है कि बहिरा अहमर में अमरीकी जंगी जहाज और दीगर कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन हमला किया गया है। अरब मीडिया के मुताबिक इससे पहले बरतानवी कंपनी ने अपने जहाज पर ड्रोन हमले का बताया था। यमन के हूसी ग्रुप ने दावा किया है कि दो इसराइली बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया है। पेरिस में फ्रांसीसी शहरी अरमंद आर का चाकू से हमला। जर्मन सयाह हलाक और बरतानवी शहरी समेत दो अफराद जख्मी। फ्रांस के वज़ीर दाखला ने कहा है कि मुलजिम नफ्सियाती मरीज था। गजा जंग में फलस्तीनियों की मौत पर दिल बर्दाश्ता था। मुलजिम एक और हमले की मनसूबाबंदी करने पर 2016 में 4 साल कैद की सजा भुगत चुका है। सातवीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लाइबा ज़िया और आरजू ने गोल्ड मेडल्स जीत लिए। लाइबा ज़िया ने -50 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। 66 किलोग्राम कैटेगरी में आरजू ने पहली फाइट में भारतीय खिलाड़ी और फाइनल में नेपाल की कराटे कॉज को शिकस्त देकर सोने का तमगा अपने नाम किया। ताकतवर गाड़ियां इससे मजबूत जज्बा मुकाबला होगा ड्राइवरों के जुनून का। झलमगजी की रेत से खेत खलियानों के बीच ऊंचे नीचे रास्तों से 14 दिसंबर से होने वाली झलमगजी डेजर्ट चैलेंज रैली में हिस्सा लेने वाली गाड़ियों की कराची में खूबसूरत नुमाइश। गाड़ियों की दिलकश मेले में शहरियों की भरपूर शिरकत। झलमगजी का रेसिंग ट्रैक कम करके 150 किलोमीटर का कर दिया गया। खवातीन समेत 70 ड्राइवर गाड़ियाँ दौड़ाएंगे। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज मुस्तनसर हुसैन तारड़ से मुलाकात के उनवान से सेशन में आवाम व ख़ास की बहुत बड़ी तादाद उमड़ आई। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने कहा कि तख्लीककार बासलाहियत होने के साथ खुश नसीब हो तो उसे मद्दाह मिल जाते हैं। गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ के उनवान से भी नशस्त हुई। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी की किताब डर्टी वॉर की रूनमाई हुई। इख्तितामी तकरीब में करारदादे पेश की गई। रात 8 बजे क्लासिकल रक्स के साथ 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों का दरीना मसला हल करने में मददगार साबित हो रही है। रिश्तों के बंधन बांधने के लिए लोग रिवायती तरीके छोड़कर ऑनलाइन ऐप्स की तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। नोट किया गया है कि 10,000 पाकिस्तानी रोजाना दिल का रिश्ता ऐप का हिस्सा बन रहे हैं।
आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि आपसे अक्सर गरियां और ग्लासेस टूट जाती हैं, तो क्या आपने कभी किसी से का दिल भी तोड़ा है? दिल पे हाथ रख के सच सच जवाब देना। मैं नहीं तोड़ता, टूट जाता है। गलती से मिस्टेक, लोगों के दिल ही नाजुक हैं, टूट जाते हैं। मैं क्या करूं? काफी सर पे आपको अगर मूवी डायरेक्ट करनी पड़े तो उसकी स्टोरी क्या होगी? कीड़ा आ गया। कीड़ा, इनको एक मजलूम आशिक का कैरेक्टर दूंगा। बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। मजलूम तैमूर शेराजी को किस उम्र में अदाकारी का शौक पैदा हुआ? अक्सर ग्लासेस और घड़ियां तोड़ने वाले ने क्या कभी किसी का दिल भी तोड़ा है? रिकॉर्डिंग के दौरान जब एक साहब बिन बुलाए डायरेक्टर बने तो फिर क्या हुआ? जियो न्यूज के प्रोग्राम हसना मना है में तैमूर शेराजी ने सब बता दिया। और हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों ट्रांसपोर्टर, एक्सपेंडेबल्स और डेथ रेस के मारूफ अदाकार जेसन स्टैथम अबू धाबी पहुंच गए। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया, तस्वीर भी बनवाई।